हेलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है कल्पना चावला द स्टार। कल्पना चावला के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिस्कस वाले पॉइंट्स देखते हैं पहले। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इनटू स्पेस। पहला व्यक्ति कौन था जो अंतरिक्ष में गया। ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा और स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। तो फर्स्ट पर्सन यानी पहला व्यक्ति कौन है जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की, तो वो है यूरी गैगरिन। सेकंड पॉइंट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इनटू स्पेस। पहला भारतीय कौन है जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की। फिर से मीनिंग आपको लर्न हो जाए इसलिए फिर मैं बता रही हूँ। स्पेस माना अंतरिक्ष और ट्रेवल मतलब यात्रा। फर्स्ट इंडियन मतलब पहला भारतीय, तो पहला भारतीय कौन था जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू गो इनटू स्पेस। और पहली भारतीय महिला कौन थी जो अंतरिक्ष पे गई थी, वो थी हमारी कल्पना चावला। और फर्स्ट इंडियन ट्रेवल किसने किया था पहले, राकेश शर्मा जो थे वो पहले भारतीय व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन वूमेन एस्ट्रोनॉट वॉज बोल्ड इनफ टू मेक हर कैरियर इन एरोनॉटिक्स। भारत की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो थी कल्पना चावला, और वो बहुत ही साहसी थी, बोल्ड इनफ बहुत साहसी थी, और उन्होंने अपना जो कैरियर है वो एरोनॉटिक्स में, एरोनॉटिक्स का मतलब होता है विमान विज्ञान में बनाया था। कैरियर मतलब व्यवसाय या पेशा जिसे हम कह सकते हैं। शी वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू हर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। वो अपने दोस्तों और अपने साथी जो कलीग्स होते हैं, जो साथ में काम करते हैं, उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा का स्रोत थी। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा और सोर्स मतलब स्रोत। She is a role model for many young Indian girls and women. वो भारत की युवा लड़कियों और महिलाओं के लिए एक आदर्श थी। Role model मतलब आदर्श, girls and women लड़कियों और महिलाओं के लिए। This is an imaginary interview conducted in her own school. ये एक काल्पनिक इंटरव्यू है, इमेजिनरी यानी काल्पनिक, और इंटरव्यू होता है साक्षात्कार, कंडक्ट किया है उनकी खुद की ही स्कूल में। जैसे आप कोई प्ले करते हो, स्टेज पे कोई नाटक करते हो, उसी तरह से ये एक काल्पनिक नाटक जिसे हम कह सकते हैं वो उनकी स्कूल में किया गया है। चिल्ड्रन बच्चे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल। बच्चों ने क्या बोला, मैम को गुड मॉर्निंग बोला और बोला है कि हम करनाल की टैगोर स्कूल से हैं। वी वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन। बच्चे बोल रहे हैं कि हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, किससे पहले कि आप अपने अंतरिक्ष अभियान के लिए जाएं, उससे पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। बिफोर यू लीव आपके जाने से पहले, कहाँ पर, स्पेस मिशन यानी कि अंतरिक्ष अभियान। कल्पना बोलती हैं, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, श्योर गो हैड। वो भी वापस बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलती है और बोलती है श्योर गो हैड, हाँ जरूर चालू रखो, बोलो, मतलब आप लोग पूछो क्या पूछना है। नव्या पूछती है, प्लीज टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। प्लीज़ आप हमको अपने चाइल्डहुड यानी अपने बचपन के बारे में बताइए। कल्पना बोलती हैं, वेल आई वॉज बोर्न ऑन 1 July 1961 इन करनाल हरियाणा। कहाँ का जन्म है अपना, वो बताती हैं कि मेरा जो जन्म है वो कहाँ का है, करनाल हरियाणा में, करनाल है वहाँ का उनका जन्म है। और जन्म की तारीख क्या है उनकी, कब आता है उनका बर्थडे, उनका बर्थडे आता है 1 July 1961 में। तो बताती कि मेरा जन्म हुआ है 1 July 1961 में करनाल में, हरियाणा के करनाल जिले में उनका जन्म हुआ है। आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। उनका क्या सपना रहा है, जब वो बचपन से उनका एक ही सपना रहा है उड़ने का,
वो बोलती है कि आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट, मेरा हमेशा से एक ही सपना रहा है उड़ने का, जब वो बच्ची थी तब से, ड्रीम यानी सपना, ऑलवेज यानी हमेशा से, और फ्लाइंग मतलब उड़ना. इन फैक्ट आई थॉट ऑफ गोइंग फार्दर देन द पायलट्स एंड वॉन्टेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एट द एज ऑफ 13. और वो बोलती हैं कि मैं सोचती थी कि जो पायलट होते हैं, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं आसमान में, मैं उनसे भी ऊपर तक जाऊँ आसमान में, है ना, बिकम एन एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री बनूँ. ये सपना उनका था 13 की एज में, जब वो 13 साल की थी तब से उनका सपना हो गया था एस्ट्रोनॉट बनने का. शुभम बोलता है, डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ, क्या आप हमें अपने बारे में और भी कुछ बताएंगे. कल्पना लाफिंग वेल, कल्पना हंसते बोलती है, आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ. वैसे स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त, मगर यहाँ पर वेजिटेरियन के साथ मीनिंग आएगा शुद्ध शाकाहारी. आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स, मैं अपनी अध्यापकों का सम्मान करती हूँ. रेस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, टीचर्स अध्यापकों का. आई लाइक रीडिंग, फ्लाइंग एंड बर्ड वॉचिंग. क्या पसंद है, कल्पना बोलती है कि मुझे पसंद है रीडिंग यानी पढ़ना, फ्लाइंग मतलब उड़ना, और बर्ड वॉचिंग यानी पक्षियों को देखना. आनंद बोलता है, व्हाट डिड यू स्टडी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, आपने क्या पढ़ाई की एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. कल्पना बोलती है, आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल इन 1976, आई जॉइंड द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ फॉर माई बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1982. कल्पना क्या बोल रही है, कल्पना बताती है कि मैंने अपनी जो हायर सेकेंडरी की एजुकेशन है वो टैगोर स्कूल करनाल से पूरी की 1976 में. 1976 में उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी की एजुकेशन पूरी की. उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया पंजाब का इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में, वहाँ से उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री ली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में. एरोनॉटिकल का मतलब विमान विज्ञान. 1982 में, 1982 में. आई देन वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूएसए फॉर माई मास्टर्स डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1984. उसके बाद उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूएसए से, अपनी मास्टर डिग्री पूरी की है 1984 में, 1984 में. और उसके बाद उन्होंने अपनी पीएचडी की. आई अर्न माय पीएचडी इन द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो यूएसए इन 1988. कोलोराडो यूएसए से 1988 में उन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी की. यश पूछता है, हाउ डिड यू ज्वाइन नासा. यश ने पूछा कि आपने नासा कैसे ज्वाइन की. अब नासा क्या है, नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. अमेरिकी सरकार का संगठन है जो कि अंतरिक्ष में अनुसंधान करता है और अंतरिक्ष यात्रा का आयोजन करता है. नेशनल क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर की. तो ये बाहर की नासा की यूएस गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट मतलब सरकार, और ऑर्गेनाइजेशन होता है संगठन. रिसर्च मतलब शोध करना. तो ये सारे जो शोध कार्य है और स्पेस यात्रा से रिलेटेड, स्पेस यानी अंतरिक्ष यात्रा से रिलेटेड जो भी काम है ना, वो बाहर नासा में की जो यूएस गवर्नमेंट है वहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं. अब एक और है यहाँ पर, इसरो का भी बता देती हूँ आपको साथ में. इसरो है भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन, यानी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. भारत की जो संस्था है अंतरिक्ष संबंधित कार्य जो करती है वो है इसरो. इसका क्या काम है, सरकारी संगठन है ये, और जो अंतरिक्ष यात्रा में अनुसंधान करता है और व्यवस्थित करता है उपग्रहों को, अंतरिक्ष में लॉन्च करता है, जो भी हमारी सैटेलाइट्स वगैरह जाती हैं स्पेस में उनको लॉन्च करने का काम है इसरो का. फिर से इसका इंग्लिश में भी बता देते हैं आपको, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज आवर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट रिसर्चेस इनटू स्पेस एंड ऑर्गेनाइज स्पेस ट्रेवल एंड लॉन्चेस सैटेलाइट्स इनटू स्पेस.
कल्पना बोलती है दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो बताती है कि ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यश ने पूछा था ना कि आपने नासा कैसे ज्वाइन किया, तो वो बताती है कि ये एक मज़ेदार कहानी है। इनिशियली आई हैड जॉइंड नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 एंड वर्क फॉर देम एट द एम्स रिसर्च सेंटर। उसने बताया कि मैंने शुरू में नासा ज्वाइन किया था। अभी आपको बताया नासा के बारे में पूरा कि क्या है, रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में वहाँ पर शोध वैज्ञानिक के रूप में, रिसर्च मतलब शोध करना और साइंटिस्ट वैज्ञानिक, शोध वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने एम्स रिसर्च सेंटर जो है नासा का वहाँ पर काम किया था। बट देन इंस्पायर्ड बाय द इंडियन पायलट JRD टाटा आई ट्राइड हार्ड एंड वॉज अल्टीमेटली सेलेक्टेड फॉर माई फर्स्ट फ्लाइट इन 1986। फिर उनको इंस्पायर हुई, वो उनको प्रेरणा मिली JRD टाटा से कि उन्होंने जिस तरह से भारत के लिए किया, तो उनको भी एक प्रेरणा मिली और उन्होंने कोशिश की, ट्राइड हार्ड, बहुत मेहनत से उन्होंने अल्टीमेटली सेलेक्ट हो गई वो किसके लिए, फर्स्ट फ्लाइट इन 1986 में वो अपनी पहली उड़ान के लिए यहाँ पर सेलेक्ट हो गई इंडिया में। कौन है ये JRD टाटा? JRD टाटा का पूरा नाम है जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। हाउ वॉज योर फर्स्ट स्पेस मिशन? रोहन ने पूछा कि आपका जो पहला अंतरिक्ष अभियान था वो कैसा रहा। तब कल्पना बताती है आई टुक ऑफ माई फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलम्बिया ऑन 19 नवंबर 1997। कल्पना बताती है कि मैंने 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया में अपना पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू किया था। द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS-87 और उस फ्लाइट का क्या नाम था, उस फ्लाइट का यानी उस उड़ान का नाम था STS-87। आई वर्क्ड विथ माई 6 मेंबर स्पेस क्रू एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। वो बताती हैं कि मैंने अपने SI सदस्य अंतरिक्ष दल के साथ एक मिशन के में विशेषज्ञ के रूप में एक प्रमुख रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में यहाँ पर काम किया इस उड़ान पर। आई enjoyed every moment of it और मैंने इसके हर पल का आनंद लिया, इस मिशन के हर पल का। कल्पना बताती है कि मैंने आनंद लिया। शुभम कहता है थैंक यू मैडम, धन्यवाद मैडम। कल्पना कहती है योर वेलकम। ये हो गया आपका चैप्टर। अब हम करेंगे ग्लोसरी। ग्लोसरी का मतलब होता है शब्दकोश। टुक ऑफ यानी गॉट रेडी टू फ्लाई, उड़ान भरी। क्रू पर्संस वर्किंग ऑन अ शिप और प्लेन, जो काम करने वाले कर्मचारी है उनके लिए वर्ड है क्रू, कौन से, जहाज या विमान आदि के सभी कर्मचारी। अनफॉर्चुनेटली अनलकीली यानी दुर्भाग्यवश। प्रीवियस टाइम पहले का जो टाइम है उसके बारे में। स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यान अ रॉकेट। स्नैक प्रॉब्लम समस्या। पेरिश्ड डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट होना। ग्रीव्ड फेल्ट सैड दुखी होना। एस्ट्रॉयड्स स्मॉल प्लैनेट्स दैट गो अराउंड द सन, उल्का पिंड जो कि सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, स्मॉल प्लैनेट्स जो होते हैं। प्लैनेट अ लार्ज स्टार दैट गोज अराउंड द सन, प्लैनेट माना ग्रह। और मार्स, मार्स है वो भी एक प्लैनेट है, मंगल ग्रह के लिए वर्ड यूज होता है मार्स। मेट्रोलॉजिकल रिलेटेड टू वेदर साइंस, जो मौसम विज्ञान से संबंधित जानकारी देते हैं हमें वो साइंस होती है मेट्रोलॉजिकल। डॉर्मिटोरी अ बिल्डिंग वेयर स्टूडेंट्स कैन लिव, एक तरह से छात्रावास, हॉस्टल जो होता है उसके लिए है डॉर्मिटरी। एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, विमान विज्ञान। एस्ट्रोनॉट स्पेस ट्रेवलर अंतरिक्ष यात्री। और कलीग्स, कलीग्स होते हैं को वर्कर्स, सहकर्मी। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मतलब फाइनली, अल्टीमेटली फाइनली ये काम हो गया आखिर में। मिशन कैंपियन अभियान, वही जो अभियान होता है उसके लिए वर्ड आता है मिशन या कैंपियन। वेजिटेरियन वन हु डज नॉट ईट मीट, जो कि मांसाहार नहीं करता है, पूरी तरह से शाकाहारी होगा वेजिटेरियन। रोबोटिक रिलेटेड टू रोबोट मैकेनिकल, यंत्र मानव शास्त्र से संबंधित,
जो यांत्रिक कार्य होते हैं उसके लिए वर्ड है रोबोटिक। स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट विशेषज्ञ, और प्राइम मतलब चीफ मुख्य,